मौला की सोगवारी कायम करते हुए शहीद राहे हक याद मनाते हुए कुरान हकीम इस हकीकत का 1400 साल पहले ऐलान कर रहा है, वो जिंदा हकीकत की तरह हर दौर में साबित और कायम है। खुदा बंदे आलम कुरान हकीम ने ऐलान कर रहा है, तुम हरगिज सोचना नहीं, ख्याल न करना, फिक्र न करना, वला तहसबन अल्लज़ीना क़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, अल्लाह की राह में जो कत्ल किए गए हैं उनके बारे में मुर्दा होने का तसव्वुर भी न करना, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब की जानिब से रिस्क पाते हैं। हकीकत अम्र यही है कि शहदाए राह हक मुर्दा नहीं है बल्कि वो जिंदा हैं, और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि दुनिया ने उनके जिक्र को मिटाना चाहा मगर खुदाबंद आलम ने उनके जिक्र को जिंदा रखा, खुदाबंद आलम ने उनके जिक्र को दिलों में जिंदा रखा है, हैवानात में जिंदा रखा है, इंसानों में जिंदा रखा है। दुश्मनान दीन इनका नाम मिटाने पर आमादा थे लेकिन खुदावंद आलम ने इनके नाम को आया किया है, इनके नाम को रोशन किया है, और भरे दरबार में जनाब ज़ैनब ने यजीद से ललकारते हुए ये फरमाया था, ऐ यजीद वल्लाह ला तमहु ज़िक्रना, खुदा की कसम तू हमारे जिक्र को कभी मिटा नहीं सकता है। यानी ये हुसैन है जो शहीद कर दिए गए, ये मेरा भाई है जो करबला में कत्ल कर डाला गया, ये मेरा पूरा घर उजड़ गया, लेकिन तू हमारे जिक्र को खत्म करना चाहे तो खत्म नहीं हो सकता, हमारे जिक्र को दुनिया मिटाना चाहे मिटा नहीं सकती है, हमारे जिक्र को खुदा ने बाकी रखा। और यकीनन खुदा बंदे आलम ने जिक्र अहले बैत को, जिक्र इमाम हुसैन को जिन हालात में जिंदा रखे हैं, आज का दौर कुछ भी खतरनाक दौर नहीं है, थोड़ा सा खौफ तारी है, थोड़ा सा, वो भी कत्ल का खौफ नहीं है, जान जाने का खौफ नहीं है, जरा सा, थोड़ा सा हुकूमत से थोड़ा सा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात हो जाए, यकीन नहीं है। उस जमाने के हालात से आप जरा पूछें, उन लोगों के दिलों से पूछें कि जब हर वक्त हर जगह इस बात का यकीन रहता था कि अगर हुसैन का नाम लेने वाला कोई पकड़ा गया तो उसकी जान चली जाएगी, उस जमाने में जिक्र हुसैन जिंदा रहा, उस जमाने में जिक्र हुसैन पाइंदा रहा, तो किसी भी दौर में जिक्र हुसैन मिट नहीं सकता, किसी भी दौर में जिक्र करबला मिट नहीं सकता। आजादारों आप खुश नसीब हैं कि हकीकी न सही यादगार के तौर पर ही सही, आप अभी आपने मिट्टी दिया है, अभी आपने मिट्टी दिया है, 1400 साल गुजर रहे हैं, हम बताना चाहते हैं आका अगर करबला में हम होते तो आपकी लाश उरिया न होती, करबला में हम होते तो बेगोरों का खाना आपकी लाश न रहती, उसी रस्म को अदा कर रहे हैं। जज़ाकुम रब्बकुम, खुदा आपको सिवाय गमे आले मोहम्मद के किसी गम में न रुलाए। जनाब ज़ैनब के दिल में वो तमाम तसव्वुरात हैं कि मेरे भाई ने पूरे कुनबे को मेरे हवाले किया था, पूरे दीन और शरीयत को मेरे हवाले किया था, मैं कूफे में कामयाब हुई, मैं शाम में कामयाब हुई, अब करबला पहुंच रही है, अरे भैया आपने जो वसीयतें मेरे हवाले की थी, जो जिम्मेदारियां मेरे हवाले की थी, मेरा सर बरहला हो गया मगर दीन मिट नहीं सका। मेरे भैया ज़ैनब कूफा के बाजार में फिराई गई, ज़ैनब दरबारे शाम में लाई गई, ज़ैनब बाजारे शाम में फिराई गई, मगर हर जगह आपकी शरीयत का हमने भरपूर मुहाफ़ज़त की है, हमने भरपूर यजीदियों की मुखालिफत की है, हमने भरपूर दफा किया है, लेकिन जब करबला पहुंची है तो एक मरतबा फितरी तकाज़े की बुनियाद पर दिल तड़प गया, आवाज देने लगी, अरे मेरे अकबर, अरे मैं तुम्हारे किस तरह से, मुझे सब्र है किसी जगह मैंने तुमको
रहा था। ए मेरा घर, इस जगह मैंने अपने घर को हरा भरा देखा था, मगर इसी दस्ते ने नवा में हमारा घर उजड़ गया। ए भैया, आपकी मेहनत ज़ैनब बचा के आई। از من یا حسین.